मुरादाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर अवैध शराब तैयार करने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। टीम ने शराब की 2 दर्जनों से अधिक भाटियों को तोड़ दिया, साथ ही 1800 लीटर लहन नष्ट कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी, बरामद की तो बहुत ज़्यादा हुई है, जैसे सर्विस दौरान, छापेमारी दौरान आदर्श कॉलोनी वहाँ तो मुरादाबाद में 5 गाड़ियाँ बरामद हुई और 2 मूर्ति बरामद हुए हैं और अवैध शराब के साथ, जिसमें कि 3 पेटी के आसपास हरियाणा छुपानी हुई अंग्रेजी शराब बरामद। मतलब लहन 1800 kg के आसपास हमने मौके पर नष्ट किए यहाँ पे। किस किस टीम ने छापेमारी की है? नहीं, अभी तो छापेमारी पूरे आदर्श कॉलोनी भातों में है, जो यहाँ मुरादाबाद का संदिग्ध और संवेदनशील एरिया माना जाता है, और यहाँ पे लगभग काफ़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जाती है और निर्माण होते हैं। कितनी शराब नष्ट करी है? शराब नष्ट नहीं की जाती है, शराब को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया है और लगभग उसकी मात्रा 300 लीटर के आसपास। 300 कैसे ड्रम फेंके गए उसमें क्या था? ड्रम में जो हम लोग नष्ट को जो फेंके गए तो वो लहन, जिसको मौके पर लहन को नष्ट कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा 1800 के आसपास। कोई स्मैक की कोई चीज़ है? हाँ, स्मैक की।